हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैनवास पे लोगो डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी देख सकते हैं आप, कुछ और भी ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया लोगो आप डिजाइन कर सकते हैं कैनवास पे। तो ऐसे लोगो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो मैं अपनी मॉल की स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरे बगल में स्क्रीन देखते हैं, मेरा कैनवा ऐप ओपन कर लिया है। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर आपको सर्च करना है लोगो, यहाँ पर मैंने लोगो सर्च कर लिया है। आप कैटेगरी वाइज भी लोगो सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस का लोगो, योगा का लोगो या कुकिंग का लोगो, ऐसे सर्च कर सकते हैं। ऐसे भी लोगो आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा टेम्पलेट है। आपको यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट बन जाएंगी, उन्हीं को आप यूज़ करके अपने तरीके से अपना लोगो बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लोगो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे पेड कौन से वाले मैं दिखा देता हूँ, ये वाले पेड है, देखो पेरू लिख रहा है, पेरू ये हमारा पेड है। इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, इसको हम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये वाला लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप कोई सा भी लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इनके जो अंदर टूल होते हैं उनको यूज़ कैसे करना वो मैं आपको बता दूंगा। इसके नीचे लिख रहा है फाइनेंशियली कैश लोन, है ना। तो यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे एडिट का बटन है, आप देख सकते हैं एडिट वाले बटन में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने चैनल का नाम, एक और मेरे चैनल भविष्य अर्न के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने भविष्य लिख लिया, वो नीचे लिख रहा था उसको मैंने हटा लिया। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो इसको हम नीचे लगा लेते हैं और इसमें एडिट वाले बटन में हम कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर लिख लेते हैं अर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया भविष्य, यहाँ पर मेरा ये बन के हो चुका तैयार। अब इसके जो टूल्स वगैरह उनका यूजेज आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला बटन, इस पर आपको क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इजीली, है ना। अब इसके टूल्स वगैरह उनको कैसे आप छिड़कानी करके और अच्छे तरीके से बना सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन का ऑप्शन है ना, यहाँ डिजाइन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ऐसे इन टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाला टेम्पलेट को ले लेता हूँ, ऐड अप न्यू पेज पे कर देता हूँ, इसको रिप्लेस नहीं करता हूँ, न्यू पेज कर देता हूँ। तो ऐसा आपको न्यू पेज होगा, इस पर आप कुछ एडिट वगैरह जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिजाइन के बाद ऑप्शन है एलिमेंट का, है ना। एलिमेंट हम क्लिक करते हैं तो एलिमेंट, जैसे कि आपके कोई सर्कल हो गया, कोई फोटो ऐड करना आपको, है ना, क्या सब्सक्राइब बटन ऐड करना है। जैसे यहाँ मैं ग्राफिक में जाता हूँ, ग्राफिक में से यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन ले लेता हूँ। सब्सक्राइब बटन छोटा करके मैं साइड में लगा लेता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन लग गया, है ना, इसको हटा लेता हूँ मैं। एलिमेंट में दोबारा क्लिक करा, जैसे मैं कुछ अपना फोटो ऐड करना है, तो मैं फोटो, है ना, ये सब्सक्राइब के बगल में फोटो, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे बीच में फोटो आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फोटो का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर अपना फोटो ऐड करना है, सबसे पहले इस पर फोटो पर क्लिक करना है, सर्कल साइज जी आपको बन के आ जाएगा। सो आपको यहाँ पर रिप्लेस पर करना है क्लिक। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई सा भी फोटो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर ये फोटो आ चुका है, ये PNG में था इसलिए मेरा फोटो आ चुका है, ये सर्कल में आ चुका है। तो ऐसे आप ये फोटो ऐड कर सकते हैं ना। और भी इसके फीचर हैं, इसके एलिमेंट के बगल में फीचर है एक टेक्स्ट का, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं स्टाइलाइजर, यहाँ पर आप क्लिक करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी, है ना, डिजाइनिंग की, उनको आप यूज़ करके लिख सकते। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, तो ये मेरा आ चुकी है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, यूज़ भी कर सकता हूँ। और भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी पे क्लिक करेंगे, गैलरी में कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप, कोई सी पेंसिल लेके अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं आप, तो जो आपके पुराने प्रोजेक्ट आपने जो बनाए होंगे वहाँ से आप उन पर काम कर सकते हैं। तो ऐसा आप अपने लोगो को डिजाइन कर सकते हैं ना। इससे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है यहाँ पर, है ना। इसको आपको कलर चेंज करना था, कलर पर क्लिक कर सकते हैं, ए वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, कम बोल्ड कर सकते हैं, इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कह सकते हैं, और भी काफ़ी यहाँ पे फीचर्स हैं। इनको आप अगर बीच में लाना बीच में कर सकते हैं, साइड में लेना साइड में कर सकते हैं। तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं, पॉइंट टाइम्स में लिखना पॉइंट में ले सकते हैं, वर्ड की डिस्टेंस बढ़ानी तो वो बढ़ा सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ फाउंट का ऑप्शन हो चुका हमारा कम्प्लीट, है ना। फाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत से डिजाइन के फाउंट मिल जाएंगे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करें स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाउंट साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइज बड़ा और कम भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अपने फाउंट का कलर भी कर सकते हैं, यहाँ ग्रीन कर लिया मैंने कलर। यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोल्ड रखना या टेढ़ा करना या अंडरलाइन लिखनी है या आपको बीच में जब वर्ड काटना है तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। या आपको साइड में रखना है या बीच में रखना है, सेंटर में रखना है या साइड में या बीच बीच में, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 1:3 में रखना है या पॉइंट में रखना है या पॉइंट में नहीं रखना आपको, यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट के बाद ऑप्शन आता है हमें स्पेस के, इस पर आप क्लिक करेंगे स्पेस पे
तो वही अपने कम ज़्यादा या इफेक्ट वाला ऑप्शन है। इफेक्ट में आप ये दे सकते हैं ना, आपके वर्ड के पीछे जहाँ इफेक्ट लग जाएंगे इनका आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, तो कोई सा भी आप इफेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एनिमेशन लग जाएंगे आपके। ये एनिमेशन या आपको लोगो में एनिमेशन यूज़ नहीं करने, नहीं तो आपको लोगो की बंदी वीडियो आपकी बन जाएगी। आप ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, हल्का हल्का दिखाई देगा, ऐसा आप कर सकते हैं। लेयर पर क्लिक कर सकते हैं, कौन सी लेयर कहाँ पर है, किसके नीचे क्या है, वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको आप उठा के नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैसे करना है। फिर आपको पोजीशन का ऑप्शन मिल जाता है, कौन सी चीज़ कौन सी पोजीशन में, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इसका। मोर पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी स्टाइल पेस्ट डेवलपर डिलीट, तो ऐसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें फोटो पे हम क्लिक कर लेते हैं, फोटो पे क्लिक करा तो यहाँ हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसकी बदले हम दूसरा फोटो भी ऐड कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो हम इस फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट का आता है, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं फोटो को, है ना, इसको मैं हटा लेता हूँ। फिर यहाँ मैजिक स्टूडियो का ऑप्शन आता है, ये हमारा प्रीमियम फीचर, इसको हम रहने देते हैं। फिर हमें फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, इसका कलर चेंज करना है ना फोटो का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी इफेक्ट मिल जाते हैं, फ़िल्टर मिल जाते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ आप अपने फ़ोटो में इफेक्ट दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं। तो हम जो कलर देना चाहते हैं सर्कल के अंदर वो दे सकते हैं। स्टाइल पर क्लिक करते हैं, स्टाइल पर ये आपकी लाइन मतलब बॉर्डर लग जाएगा आपका, है ना, ये बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर ये कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर आपका फिलिप्स का ऑप्शन आता है, जैसे मेरा फेस इधर है, इधर मेरा फेस है तो इधर आप कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, जो पिक्चर ये उल्टी हो चुकी है इसको मैं सीधी कर लेता हूँ, तो इस हिसाब ये कर सकते हैं ना। एनिमेशन में मैंने क्लिक करा तो आप अपने फोटो में एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन आपको नहीं देना, अगर आप एनिमेशन देंगे तो आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी, आपका लोगो नहीं बन पाएगा। ट्रांसफेस के जाना इसका आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से मटा लेता हूँ। फिर यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आ जाता है, लेयर का है ना, वही लेयर का वही ऑप्शन है सेम, और पोजीशन का वही सेम ऑप्शन है। मोर पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आते हैं आपके, तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं इसका। इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करके आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ, ये पीछे बैकग्राउंड हो चुका चेंज है ना। अगर इसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, एडजस्ट भी कर सकता हूँ, मैजिक स्टूडियो कर सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ, फिल्टर पर क्लिक करा ना, इसका कलर मैंने चेंज कर लिया, तो ऐसा आप इसका फिल्टर चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट है, ऐप्स है और कलर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ हम इफेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। ऐप्स है, कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। कलर चेंज करें तो पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, इसलिए हम कलर का यूज़ ही यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा लोगो बन के हो चुका है तैयार, इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका लोगो बन के हो चुका है तैयार। लोगो बनाने के लिए टूल्स जो भी होते हैं उनका सबको मैंने यूजेज बताया। इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आपके तो मैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चले, वीडियो को देखें लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल को लें प्रेस। आप एंड स्क्रीन में वीडियो देख रहे होंगे बैनर कैसे बना, इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।